which is surrounded by nature and there's lot of adventure, fun and बहुत सारा मज़ा आने वाला है. ये basically जहाँ पे हम जा रहे हैं वो एक agro tourism place है and मैंने बहुत videos देखे हैं उसके और बहुत excited हूँ मैं वहाँ जाने के लिए. तो आप भी चलिए हमारे साथ उस place. तो अभी हम हैं नेरल स्टेशन के बाहर एंड अब एक बस पकड़ने वाले हैं जो वो बस हमें लेके जाएगी सगुना बाग. शी इज दीप्ति से हाय. हाय. एंड वी ऑल आर इन वन ग्रुप एंड बहुत मज़ा आने वाला है. सो अभी हम इस बस में बैठने वाले हैं. सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है. सो कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ नेरल स्टेशन से सगुना बाग जाने को कितना टाइम लगता है. ओके okay? तो अभी हम सगुना बाग पहुँच गए हैं. नेरल स्टेशन से सगुना बाग सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे है. और अगर आपने ग्रुप में बुकिंग किया हुआ है तो जिसने मेन पर्सन जो है जो बुक कर रहा है सिर्फ उसी का आईडी यहाँ पे लगता है. बाकी हम सब ग्रुप वाले यहाँ बस में ही बैठे हैं. वो सब फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करने के बाद हम सब बस में ही वापस अंदर जाने वाले हैं. सो आई विल जस्ट शो यू द टिकट काउंटर जहाँ पर सारा फॉर्मेलिटीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे सारी बुकिंग्स की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कंप्लीट हो रही है. एंड दिस इज सगुना बाग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. अभी बस से यहाँ पे हम लोग सीधा ब्रेकफास्ट के लिए उतरे हैं एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे पूरा गांव का फीलिंग आ रहा है. एंड यहाँ पर लॉकर सिस्टम भी है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप वहाँ पे लॉकर सिस्टम में फ्री लगेज रख सकते हैं. सिर्फ 100 रुपीज़ का जो है डिपॉज़िट देना पड़ता है. उसके बाद जब आप वापस जाते हो तो वापस वो लोग आपको 100 रुपीज़ दे देते हैं. एंड नाउ उस साइड पे ब्रेकफास्ट होने वाला है. ब्रेकफास्ट होने के बाद यहाँ पे गाइड आते हैं और यहाँ पूरा जो एक्टिविटीज़ होगी सगुना बाग में वो सब हमको कराएंगे और यहाँ का पूरा टूर देंगे.
सो वी आर डन विद अवर ब्रेकफास्ट एंड हमारे गाइड ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे पहले टूर होगा, फिर आपको अगर फ्री टाइम मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे सब कुछ कवर करने का। सो यहाँ पर आके सबको और एक सरप्राइज़ मिलता है, यहाँ पर एक ऑस्ट्रिच है एंड एवरीवन इज़ विलिंग टू यू नो उसके साथ फ़ोटो लेना एंड वीडियो निकालने के लिए बहुत लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। आई जस्ट शो यू। सगुणाबाग जो है तो पूर्ण 55 एकरचा एरिया है। सगुणाबाग जे ओनर है त्यांचे नाव चंद्रशेखर हरिभाऊ भटसाव आहे। त्यांनी US मध्ये ॲग्रिकल्चर केलं आहे। ॲग्रिकल्चर केल्याच्या नंतर सगुणाबाग जे आहे एक कृषी पर्यटन केंद्र झालं वाला। तो जो समोर बांबू दिसतोय ना, पूर्ण आपल्या जगामध्ये 40 प्रकारचे बांबू असतात, त्याच्यामधले आपल्या सगुणाबागमध्ये 5 ते 7 प्रकारचे बांबू आपण लावलेले आहेत। ठीक आहे, लायटर बॉक्स असं म्हणतात। याचा उपयोग म्हणजे येणारे जे काही आपले कीटकनाशक असेल भातांवर किंवा पाळेभाज्यांवर, आपण कुठल्या प्रकारचं जे काही पीक घेतो त्याच्यावर जे पडले जाणारे कीड असते ते हे कीटकनाशक असतात, यांना मारण्यासाठी आपण काही लोक वेगवेगळ्या औषधांवर फवारणी करून त्याचा उपयोग करतात। तसं काही न करता आपण या ठिकाणी इथे लायटर बॉक्स जॉईन केलेलं आहे। हे जे असणारं लायटर बॉक्स असतं इकडे संपूर्ण लाईट्स जे असतात आजूबाजूची ती ऑफ असते आणि रात्रीच्या वेळेमध्ये खूप इकडे अंधार असतं। अंधार असल्या कारणानंतर हे जे असणारं लाईट जे असतं एकच ऑन असतं इथे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो था वो लाइट ग्रीन कलर का देख रहे हैं, वहाँ पे लाइट ट्रैप है, वो कीट नाशक के लिए लाइट ट्रैप है। फिर यहाँ ये कुकर वाला जो है वो सो इस साइड पे यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस वो उन्होंने दिखाया, फिर अलग अलग टाइप के बैम्बूज दिखाए और बहुत सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हर एक चीज़ की वो लोग दे रहे हैं एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस एग्रो फार्म। सो दिस इज़ द मड हाउस एंड यहाँ से पूरा जो पानी का जो व्यू है वो दिखता है। सो यू कैन इवन डू योर बुकिंग्स हियर फॉर स्टे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड अ ब्यूटिफुल व्यू यू विल गेट इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हियर इन दिस मड हाउस। यहाँ पर बहुत क्यूट से हट्स है रहने के लिए एंड द बेस्ट पार्ट हियर द दिस क्यूट लैंटर्न्स मेड विथ मड, दे वेरी क्यूट। सो ये मेरे पीछे और एक हट है, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं।
पीछे देख सकते हैं पूरा पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर लोटस है वाइट कलर का एंड पिंक कलर जो है वो वाटर लिली है। एंड ये जो वाटर लिली है वो महालक्ष्मी टेम्पल में भी लोग यू नो महालक्ष्मी माँ को चढ़ाते हैं वो, और वाइट फूल नहीं चढ़ाया जाता है। और उसकी जो वाइट लोटस की जो स्टिक है उसका सब्जी भी जो सिंधी होते हैं उनकी सब्जी बनाते हैं, और ये जो सीड्स होते हैं लोटस के उससे मखाना भी बनता है जो काफ़ी हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस लोटस। सो अभी यहाँ पर काफ़ी लोग काफ़ी ऑडियंस है टू वॉच मलखम नाउ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने कभी लाइव मलखम होते हुए देखा नहीं है। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जो मलखम का टीम जो है उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, तुरंत तुरंत यहाँ पर मलखम के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो प्रोग्राम देखने वाले, एक तो मलखम और दूसरा आपके सामने एक रोप है, उस रोप के ऊपर हम आसन के अलग अलग प्रकार देखने वाले है। और ये जो प्रोग्राम जो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट चलने वाला है। सामने आपको यहाँ पर जो 5-6 बच्चे दिखाई देते हैं वो सब बच्चे ग्रामीण भाग के बच्चे हैं और सब बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। इनकी कम से कम 50 से 60 लोगों की टीम रहती है लेकिन सब बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इन 5 से 6 बच्चों को हमें जितना भी दिखाना पॉसिबल होगा वो हमें दिखाने वाले है। और इस टीम को कोचिंग करने वाले उनके कोच उनके गुरु हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है गावड़े सर। नमस्कार। नमस्कार गावड़े। गावड़े सर रोज कल्याण से यहाँ पर आते हैं और गांव के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है वो खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले है। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे नेमो रहेंगे वो नेमो हमें दिखाने वाले हैं। और सामने जो दिखा रहा है इसे करके दिखा रहा है, इसे कहते हैं गोपन पंदर। तो सब आए तो क्या, लेकिन उस रामदेव को दाढ़ी है, इसको सिर्फ दाढ़ी नहीं है। ये लड़का इस रूप को न छोड़ते हुए हमें आसन के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है रोप पद्मासन। पद्मासन का ही हस्तपदासन रोप हस्तपदासन। रोप निद्रासन। वो लड़का उस रोप को छोड़ नहीं रहा है और हमें अलग अलग प्रकार दिखा रहा है। उस लड़के ने पैरों के उंगलियों में उस रोप की नॉर्मल ग्रिप पकड़ी है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया है, जिसे कहते हैं रोप चतुरासन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी। जय भवानी। जय भवानी। अद्भुत नजारा देखा, ये पूरी टीम थी जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट टू सी दिस मोमेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द किड्स एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड स्टंड बाय द स्टंट। सो आई वांट टू से वेल डन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव। यहाँ सगुना बाग में आपको जो भी चीज़ दिखेगी वो सारी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई है और हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एंड इट्स वर्थ टू कम हियर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टे के लिए आना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ज़्यादा यहाँ की प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाओगे। एक दिन के लिए आना है तो भी ठीक है, बट यहाँ अगर आप धूप में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ कुछ जूस कैप
ग्लेस ऐसे सब कैरी करना, क्योंकि जब टूर लेते हैं तभी बहुत धूप होती है, फिर एक टाइम के बाद एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो ये जगह जो है वो आपके लिए ही बनी है। वी होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मिलेंगे सगुना बाग पार्ट 2 में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।